एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली थाने में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनता के समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में दूसरे और चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, थाना समाधान दिवस में किरायेदारी के विवाद को लेकर एक मामला आया, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, थाना समाधान दिवस में पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर मामले का निस्तारण किया गया है तथा लोग आकर अपने समस्याओं का निस्तारण करवा रहे हैं। इस अवसर पर सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली रतन कुमार पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, मामला था रोहन पांडे दरखास्त दिए थे कि हमारे जमीन में जी दुकान लिए हैं, किराया नहीं दे रहे थे। समाधान आपके पास है? रोहन पांडव के मामले में है, जो उनका संधि का उनका था, उसमें क्या निर्णय हुआ सका और पहले कानून है जिसकी टीम बना के जाना है काम में, जान है नेपाल साहब बल्कि का जो नहीं है सर, थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, किस तरह के मामले आ रहे हैं निस्तारण? अभी हम और सीओ साहब बैठे हैं कोतवाली थाना क्षेत्र में, और अभी एक ही मामला हमारे पास आया है जिसमें दुकानदार और उसके मालिक के बीच किराए को लेकर विवाद है, किराए भुगतान को लेकर, जिसमें अभी दोनों पक्षों को बुलाकर उनका समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी कोई मामला आया नहीं है। सर, कितना कारगर साबित हो रहा है थाना समाधान दिवस है? अपने आप में पूरी तरह कारगर है। इसमें राजस्व विभाग की टीम और पुलिस की टीम थाने पर प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को थाने पर बैठती है, और मैं सभी पब्लिक से अनुरोध करूंगा कि जो भी इस तरह के विवाद मामले हों जिसमें राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की आवश्यकता हो या कोई उनके मामले ना निपट रहे हों, वो थाने पर आएँ 10 से 2 के बीच में, और दोनों विभाग के अधिकारी एक साथ जाकर उन समस्याओं का समाधान करेंगे।